जिला उमरिया के ग्राम पंचायत पड़वार के अंतर्गत हलफल एवं भद्र नदी से ठेकेदार के द्वारा बड़ी मशीन लगाकर रेत निकाली जाती है। इससे इस भीषण गर्मी में लोगों को पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है एवं आम निस्तार बाधित हो रहा है। मवेशियों को भी पानी नहीं मिल पा रहा है। इस नदी से लगे बांधवगढ़ नेशनल पार्क बफर जोन एरिया के अंतर्गत सभी जीव जंतुओं को भी पानी की समस्या हो रही है। कई किसानों की फसल एवं सब्जी की खेती सूख गई है। गांव के लोगों के द्वारा जिले के कलेक्टर माननीय श्री संजय श्रीवास्तव जी को आवेदन पत्र लिखित तौर पर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक गांव वालों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। गांव के अंदर से ओवरलोड करके बड़े ट्रकों से रेत निकाली जाती है, जिससे रोड से लगे गांव वाले दिन रात धूल की समस्या से जूझ रहे हैं। हाल फिलहाल बीते दिन ग्रामवासियों द्वारा सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर इन ट्रकों को रोका गया। इनकी मांग है कि जब तक उच्च अधिकारी और विभागीय अधिकारी मौके पर आकर जायजा नहीं लेंगे और उनकी समस्या का निदान नहीं करेंगे, तब तक रेत से लदे ट्रकों को जाने नहीं दिया जाएगा। अब गांव वाले अपनी इस मांग के साथ वहीं पर तंबू लगाकर बैठ गए हैं। पैसा दिया कंपनी वाला यार, तो वो खानेगा, तो हम बोले हम लोग निकल जाए। कलेक्टर साहब बोल दे जी, कलेक्टर साहब बोल दे तो हम लोग छोड़ देंगे। गांव छोड़ने के लिए बोलते हैं आपके भूपेंद्र सिंह। ये तरीका गलत है कि तुम राजनीति चमका आपने क्यों नहीं पहल किया? जब हम लोग शिकायत करके आपने पहल किया पर्यावरण वाले आगे तो बंद था, गाइडलाइन को पौधे लगवाना है, वृक्षारोपण करना है, वृक्षारोपण को।